सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अनदर वीडियो। और आज का टॉपिक होने वाला है हमारा गेनर वर्सेस प्रोटीन। तो अभी बहुत जल्दी आपने जिम जाना शुरू किया है और बहुत ही कंफ्यूजन है। कुछ ट्रेनर कहते हैं गेनर लीजिए, कुछ ट्रेनर कहते हैं प्रोटीन लीजिए, बड़ी कंफ्यूजन है। तो आज हम इस वीडियो में कुछ इसी तरह की बात करने वाले हैं, क्या आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि दोनों के ही अपने अलग अलग काम होते हैं। प्रोटीन का अलग काम है, गेनर का अलग काम है। गेनर के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, प्रोटीन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो बात करने वाले हैं आज की वीडियो में कुछ इसी तरह की। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, बात करेंगे मास गेनर के बारे में, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उसके बाद बात करने वाले हैं हम प्रोटीन के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं मास गेनर के बारे में। मास गेनर का सबसे पहला बेनिफिट जो यही है दोस्तों, कि अगर आप बहुत ज़्यादा अंदर वेट हो, बहुत ज़्यादा पतले स्किनी दिखते हो, आप चाहते हो कि मैं अच्छा दिखने लगूँ, थोड़ा मोटा दिखने लगूँ, कपड़े मुझे फिट आने लगें, लोग मुझे चिढ़ाएं ना, तो आप मास गेनर को यूज़ कर सकते हो, इजीली अपना वेट बढ़ा सकते हो। हाँ, दूसरा इसके बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है दोस्तों। तो मास गेनर का साइड इफ़ेक्ट ये है दोस्तों, कि सबसे पहले लगने लगेगा कि आप अच्छी बॉडी बन रही है आपकी, आपके बाइसेप्स ग्रोथ कर रहे हैं, मसल ग्रोथ कर रही है, आप तगड़े हो गए हो, यही इसका सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ही अच्छे मस्कुलर बॉडी बन रही है, बड़े हो रहे हैं, तगड़े हो रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये एक मील रिप्लेसमेंट होता है जो कि हम अपनी डाइट से भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर हमें ये मोटा कर रहा है, तगड़ा कर रहा है, तो इसके साथ साथ हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी देता है जिससे हमारी बॉडी बेकार होने लगती है, कुछ टाइम के लिए अच्छी दिखती है, जैसे कि फ़ैट। अब जब हम इसको इनटेक करते हैं तो साथ में ये हमें फ़ैट भी देता है, बहुत सारा गंदा फैट भी आने लगता है बॉडी पे, जो कि कुछ टाइम तक अच्छा लगता है और उसके बाद बहुत ही गंदा दिखने लगता है। आप कहीं भी अपनी टी शर्ट उतार के बॉडी को नहीं दिखा सकते हो, आपके स्टमक पे फैट आने लगेगा, आपके बाइसेप्स पे फैट आने लगेगा, आप बहुत ही मोटे दिखने लगोगे, और कुछ टाइम बाद जैसे ही आप छोड़ोगे ये आपकी बॉडी से उतर जाएगा, चला जाएगा। फिर आप ये बोलोगे कि मैंने गेनर लिया और मेरी बॉडी नहीं बन पाई, तो दोस्तों सबसे बड़ा बॉडी ना बनने का कारण यही है कि हम गेनर को यूज़ कर लेते हैं, हमें पता नहीं होता कब गेनर यूज़ करना है और कब प्रोटीन यूज़ करना है। तो अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसे लेके एक साइड इफ़ेक्ट और है कि अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो और इसके ऊपर आप कोई भी ऐसी चीज़ खा रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा ऑयली है या फास्ट फूड खा रहे हो, तो आपको इससे गैस प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है आपको, ब्लूडिंग हो सकती है आपको। आप चलते हैं अपने प्रोटीन की तरफ, प्रोटीन के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो गाइस, प्रोटीन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, लॉट्स ऑफ फ़ायदे हैं प्रोटीन के। प्रोटीन सबसे पहले हमारी बॉडी को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो प्रोटीन की ही होती है, क्योंकि प्रोटीन के अंदर सारे अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जिनकी। तो दोस्तों, अगर आपको एक अच्छी बॉडी चाहिए, जो आप जिम में जाते होगे देखते होगे बहुत ही मस्कुलर बॉडी दिख रही है, आप फ़ोटो में आपने कभी देखा होगा, फ़ोटो शूट्स देखते हो आप हीरोज़ के बहुत ही मस्कुलर सिक्स पैक वाली बॉडी आप दिख रही है आपको, तो वो आप प्रोटीन के साथ ही उसको मेंटेन कर सकते हो, बना सकते हो। अगर आप गेनर यूज़ करते हो तो ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अब अगर आप प्रोटीन यूज़ करते हो तो प्रोटीन आपको एक बहुत ही मस्कुलर बॉडी देता हुआ आता है, आपकी स्किन को अच्छा करता है, आपके बॉडी में फैट इनटेक नहीं होने देता है, फैट को स्टोर नहीं होने देता है। तो गाइज, प्रोटीन के यही फ़ायदे। और अगर साइड इफ़ेक्ट देखा जाए तो प्रोटीन का ऐसा कोई आज तक साइड इफ़ेक्ट देखा नहीं गया, कोई ऐसी रिसर्च नहीं है जिसमें प्रोटीन का कोई साइड इफ़ेक्ट दिखाया गया हो। तो ये था प्रोटीन वर्सेस गेनर के बारे में मेरी जो पर्सनल थॉट्स थे, मैंने आपको बता दिए, जो कन्फ्यूज़न थी मैंने आपकी दूर करने की कोशिश की। अगर आपको कुछ समझ आया हो तो वीडियो में कमेंट करके बता देना, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके बता देना। अच्छी लगी हो वीडियो तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन के बटन को दबा देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।